मैंने ट्रेलर देखा, लापता लेडी जिसको प्रोड्यूस कर रहा है आमिर खान। तो चलिए बात करते हैं ट्रेलर कैसा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है दीपक जो कि शादी कर कर अपनी पत्नी को लेके घर आता है, और जहाँ पर उसके घर वाले उसका स्वागत करते हैं। और जब दुल्हन को घूंघट उठाने को कहा जाता है तो सब देख कर चौंक जाते हैं। और जब दीपक देखता है तो उसे पता चलता है या तो दूसरी लड़की। अब दीपक का दोस्त उसको पुलिस के पास लेकर जाता है और पुलिस का रोल निभा रहे हैं रवि किशन है। तब दीपक का दोस्त रवि किशन से कहता है कि मेरा दोस्त जब शादी करके घर आ रहा था तो इसकी पत्नी गायब हो गई है। तब रवि किशन कहते हैं कि मैं तो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ससुरी गायब भी नहीं होती है। और फिर उसके बाद दीपक की खोई हुई पत्नी को दिखाया जाता है। जब सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम कैसे खो गई हो तो सभी लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं तो मैंने पहली बार सुना है। अब पुलिस दीपक जिसको शादी करके लाया उससे पूछती है उसका नाम, तो वह कहती है कि मेरा नाम पुष्पा रानी है। तब पुलिस कहती है अपना फोटो खिंचाओ, तो वह खिंचवाने नहीं देती है और अपना घूंघट नहीं हटाती है। कुल मिलाकर यह एक कॉमेडी ड्रामा पर बेस्ड मूवी होने वाली है। अब मूवी देखकर हमको पता चलेगा कि यह मूवी कैसी है। कुल मिलाकर दोस्तों यह ट्रेलर अच्छा है। अब देखते हैं कि मूवी कैसी होने वाली है। कुल मिलाकर तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।